हेलो गाइस, वेलकम टू साईं बाबा इन्फोटेक चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है डूज एंड डोंट्स, यानी कि कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स ए और एन के यूजेस पर। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में लोग बताते हैं कि कब ए लगता है, कब एन लगता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा आगे काम आएंगे। चलिए देखिए, पहले हम बेसिक पे बात करेंगे कि एन कहाँ लगता है। जिन शब्दों का या जिन वर्ड्स के जब हम उच्चारण करते हैं, उन्हें बोलते हैं, तो अगर उन वर्ड्स में से हमको इस तरह का कोई साउंड आता है, इन शॉर्ट ए ई आई ओ यू, ऐसी कुछ आवाज़ अगर आती है उनको बोलने पर, उनके उच्चारण पर, तो फ्रेंड्स हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। और इनके अलावा जो बचते हैं, यानी कि इन सब के अलावा, इन वर्णमाला के अलावा जो भी वर्ड्स बचते हैं, उन सब के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बताती हूँ कि जिन वर्ड्स के या जिन शब्दों का उच्चारण करने पर, उनका प्रोनंसिएशन करने पर ए ई आई ओ यू इनका साउंड आए, तो वहाँ पर हम एन लगाएंगे। और इनके अलावा जो भी बचता है, रिमेनिंग जो भी शेष बचता है, उसके साथ फ्रेंड्स हम लोग ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए कुछ, जैसे कि एन एप्पल, एन इंकपॉट, एन ऑटो, एन ऑरेंज, एन ओल्ड मैन, एन ऑनेस्ट मैन, एन एमएलए। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो छोटे छोटे से एग्जांपल हैं, ये मैंने क्यों लिखे हैं, ताकि आप लोग इनको बोल के देख पाएं। आप जब एप्पल बोलते हो तो साउंड किसका आता है, ए का आता है ना। जब आप इंक बोलते हो तो ई की आवाज़ आती है। ऐसे ही ऑटो बोलते हो या ऑरेंज बोलते हो, ओल्ड बोलते हो, तो इन सब में वही ए ई आई ओ यू की आवाज़ आती है। अब फ्रेंड्स अगर मैं इन दोनों के ऊपर बात करूँ, तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इनकी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से तो स्टार्ट हो ही नहीं रही, फिर इनके साथ एन क्यों लगा है। बस फ्रेंड्स यही जो मेन चीज़ है वो यही है। बहुत से लोग क्या बता देते हैं, बहुत से लोग ये बता देते हैं कि अगर ए ई आई ओ यू ऐसा कुछ अगर आ रहा है, तो आप वहाँ पे एन लगा दो और बाकी सारे के साथ में आप ए लगा दो। तो फ्रेंड्स हमें स्पेलिंग को देख के नहीं डिसाइड करना होता है, हमें ए ई आई ओ यू इनको देख के डिसाइड नहीं करना होता है, हमको इनकी आवाज़ देख के डिसाइड करना पड़ता है। अगर बोलने पे इनका साउंड आता है, अगर बोलने पे ए ई आई ओ यू की आवाज़ आती है, तो हम वहाँ पे एन लगाते हैं। केवल स्पेलिंग में, केवल वर्ड देखने भर से हम वहाँ पे डिसाइड नहीं करेंगे। तो जब आप इस शब्द को बोलते हो फ्रेंड्स, तो इसको हॉनेस्ट नहीं, इसे ऑनेस्ट बोला जाता है। इसमें ये वाला ओ आता है और इस तरीके से कुछ इसका उच्चारण करते हैं। अब चूंकि फ्रेंड्स ये इस तरह का वर्ड, इसमें ओ वर्ड आता है, इसीलिए इसको हम क्या, इसमें हम क्या लगाते हैं, हम इसमें एन लगाते हैं, है ना। हमको ये नहीं देखना कि स्पेलिंग एच से शुरू हो रही है तो ए लगा दें, नहीं। आप बोल के देखो, बोलने पर आवाज़ क्या आती है। जैसे देखो MLA, है ना, MLA। अब आप फिर वही जो दूसरे लोग बता देते हैं कि साहब ए ई आई ओ यू से स्पेलिंग स्टार्ट हो तो एन लगा देना बाकी सब में, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे वही है, यहाँ पे ए ई आई ओ यू से स्पेलिंग शुरू नहीं हो रही है, यहाँ पे स्पेलिंग कैसे शुरू हो रही है, M से। लेकिन फ्रेंड्स जब आप इसे बोलते हो तो आवाज़ कैसी आती है, इस तरीके से आती है, यानी कि पहला वर्ड कौन सा होता है इसमें, ए, ठीक है। और हमने अभी हाल ही सीखा था कि जब इस तरह का कुछ आवाज़ आता है तो हम वहाँ पे एन लगाते हैं, इसलिए ऑनेस्ट हुआ, एमएलए हुआ, हम इनके साथ में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब मैं बात करूँगी ए के एग्जांपल्स पे। देखिए फ्रेंड्स, जो ए ई आई ओ यू की आवाज़ करते हैं वो एन, और बाकी रिमेनिंग सबके साथ क्या लगता है फ्रेंड्स, ए लगता है। अ बैट, अ कैट, अ हाउस, अ गर्ल, अ पेन। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि स्पेलिंग ई से शुरू हो रही है, यू से शुरू हो रही है, बट आ क्या रहा है, ए आ रहा है। तो वही मैं आपको फिर से सिखाऊंगी। आप जब इस शब्द को बोलोगे तो पहला वर्ड आप क्या बोलोगे, ये ऐसे यूरोपियन, ये देखिए आप कुछ इस तरीके से बोलोगे ना, तो फर्स्ट वर्ड जो जाएगा वो कैसे जाएगा, या से। और या स्वर नहीं होता फ्रेंड्स, या वॉवल नहीं होता, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये भले इसकी स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है, बट इसको जब प्रोनंसिएट करोगे तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, यू, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी, यानी कि जो या होता है फ्रेंड्स, ये भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजक होता है, ठीक है, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया है, ए। अब मेन चीज़ देखो, ए और एन कहाँ लगाए जाते हैं। एक बात बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लो कि ये केवल सिंगुलर्स के साथ लगते हैं, दूसरा केवल काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, यानी कि गाइस जिनको आप काउंट कर सकते हो केवल वही नाउन के साथ ये लगेंगे, और उनका सिंगुलर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल और केवल सिंगुलर के साथ लगाए जाते हैं। देखिए इन्हें भी अनकाउंटेबल नाउन कहा गया है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं,
ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन आपको वैसे तो पता ही है कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि ब्यूटी कभी भी ए ब्यूटी नहीं होता, ए नॉलेज नहीं, एंगर एन एंगर नहीं लिखोगे, लव हेट, शुगर वाटर एयर मिल्क हैप्पीनेस एडवाइस, फ्रेंड्स ये सब भी किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें भी जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये भी सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ भी आर्टिकल ए या एन नहीं आएगा। जैसे कि देखिए नो आर्टिकल या फिर कोई आर्टिकल नहीं लगाना। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, जैसे आपको मान के चलो कि एन नहीं मिलता, सिर्फ डैश लगा होता और लिखा होता ऑरेंज शर्ट्स, तो आप लोग तुरंत क्या लगा देते, ऑरेंज देख के ही एन लगा देते, है ना। लेकिन फ्रेंड्स आगे देखो ना क्या लिखा हुआ है, शर्ट्स लिखा हुआ है, जो कि क्या हो गया, प्लूरल हो गया। मैंने आपको अभी हाल बताया था कि ये केवल सिंगुलर के साथ लगते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस की बात करो तो यहाँ पे शर्ट्स है, नारंगी यानी कि ऑरेंज शर्ट्स की बात चल रही है जो कि प्लूरल है, बहुवचन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, एन नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपने जैसे ब्लू देखा वैसे ही आपने ब्लू के आगे क्या लगा दिया, ए, लेकिन फ्रेंड्स आगे भी तो देखो, ब्लू नहीं ब्लू पेन्स यानी कि प्लूरल है, और मैंने आपको भी बताया था कि ये सिंगुलर के साथ लगते हैं, ठीक है, ऐसे ही। और टीचर्स, ये गलत है फ्रेंड्स, टीचर्स बहुत सारे हो गए तो इनके साथ ए या एन नहीं लगेगा। वाटर, वाटर भी अनकाउंटेबल होता है, अब वाटर नहीं होता। फ्रेंड्स एडवाइस, ये वाला वर्ड देखते ही आप खुशी के मारे एन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एडवाइस भी क्या होती है फ्रेंड्स, एडवाइस भी अनकाउंटेबल होती है। आप सलाह को नाप सकते हो क्या, आप उसे काउंट कर सकते हो कि हमें इतनी किलो सलाह दी गई है, नहीं। तो इस तरह की चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये चीज़ें फ्रेंड्स आपको कहीं भी देखने को ऐसे नहीं मिलती हैं, ठीक है। आप तुरंत पहला वर्ड देख के अगर आर्टिकल लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ऑरेंज का कोई रोल नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है ऑरेंज शर्ट्स की, ब्लू का कोई रोल नहीं है फ्रेंड्स, बात हुई है ब्लू पेन्स की। तो बस ये चीज़ें आप ध्यान रखो, ये आपको जब अपन अभी कुछ दिन बाद से जब एरर करेक्शन करेंगे तो वहाँ पे ये आपको एरर में ही समझ में आएगा कि ये एरर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।